हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आर स्कैनिंग टॉपिक। सो स्कैनिंग की सबसे स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्कैन करते हैं कि हमारे नेटवर्क या किसी भी नेटवर्क में, मान लो एक कंप्यूटर को हमने हैक करा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस कंप्यूटर को हैक करा उसके नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं मुझे वो पता चले, ठीक है। मैंने कंपनी को हैक करा, ठीक है, कंपनी के कंप्यूटर को हैक करा, लेकिन कंपनी ने मुझे टास्क दिया था कि आप जितनी ज़्यादा हैक कर सकते हो हमारे कंप्यूटर वो हैक करो, तो मैंने तो एक को हैक करा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बाकी सबके आईपीस क्या हैं? मैं क्या करूँगा, पूरे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को स्कैन करूँगा कि उसके अंदर कितने पीसीज हैं, ठीक है, उनकी आईपीस क्या हैं, ताकि मैं उनको हैक कर पाऊँ। जब तक आईपी नहीं पता होगी तो मैं हैक कैसे करूँगा, ठीक है। तो वो आईपीस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो आईपीस चाहिए होती है, ठीक है। तो स्कैन करते सबसे पहले हम स्कैन करेंगे क्या, अपना नेटवर्क, ठीक है। अपना नेटवर्क स्कैन करते हैं, यानी कि जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, आप एक मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो आपका नेटवर्क क्या होगा, जो आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट है उससे जितने भी पीसीज या अदर कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड है, कोई भी है, वो सब उस नेटवर्क के अंदर के पार्ट है, वो सब उस नेटवर्क के अंदर के सिस्टम है। तो हमें पता करना है कि उस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस रन हो रहे हैं, उनकी क्या आईपीज है, ठीक है, ये पता करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे इजी कमांड होता है arp डैश स्कैन, ठीक है, डैश स्कैन माइनस एल, बस आपको इतना करना होता है। तो इसके बाद क्या होगा, आपके जितने भी नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेज होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, चाहे वो मोबाइल है, चाहे एंड्रॉयड है, आईफोन है, विंडोज़ है, लिनक्स है, सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। चाहे आपका वो टीवी है, अगर वो आपका स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन आती है, ठीक है, स्मार्ट गीज़र आते हैं जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है, तो वो सब लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन सबको आईपीज मिली होती है। तो आप देखोगे मेरे नेटवर्क के अंदर इसने दिखा दिया कि 192.168.101.3 ये एक आईपी है, ठीक है, ये उसका मैक एड्रेस है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसकी होती है, बेसिकली जिसने ये मैक एड्रेस दिया हुआ, यानी कि जो वाईफाई कार्ड की जो कंपनी होगी, ये आपके लैपटॉप की नहीं, ठीक है। जैसे ये जो साइबर टेन टेक्नोलॉजी है ना, ये लेनोवो जो मेरा लैपटॉप है ये उसी की आ रही है, ये मेरे लेनोवो लैपटॉप की आ रही है। लेकिन यहाँ आप देखोगे साइबर टेन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो वाईफाई एडेप्टर जिसने इसके अंदर बनाया होगा, लेनोवो सारे पार्ट्स अपने आप नहीं बनाती, ठीक है, कोई भी कंपनी सारे पार्ट्स अपने आप नहीं बनाती, वो छोटी छोटी कंपनी उसको प्रोजेक्ट दे देती है, बाद में उन्हें असेंबल करके और लेनोवो का ठप्पा या जिसका भी लगना होता है उस कंपनी का वहाँ पे लेबल लग जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो वाईफाई कार्ड है जो हॉटस्पॉट के सिग्नल एमिट करता है अपने अंदर से, या फिर जो वाईफाई से कनेक्ट होता है, जो वाईफाई एडेप्टर है, वो किसका है, साइबर टेन टेक्नोलॉजी। ऐसी सेम यहाँ पे है 192.168.101, ये मेरे राउटर की आईपी है, ठीक है, मेरे राउटर की आईपी है, ये उसका मैक एड्रेस है मेरे राउटर का, और ये उसकी कंपनी है जो भी उसके जो वाईफाई अडेप्टर की जो चिप होगी, ठीक है, जहाँ जिसको मैक एड्रेस मिलता है ये उसकी कंपनी है। सेम ऐसे ही 192.168.101.15, ठीक है, ये वर्चुअल बॉक्स में मेरे एक और मशीन, ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही चल रही है मेरी काले लिनक्स, एक और मशीन मेरी वर्चुअल बॉक्स में चल रही है, ये उसकी आईपी है, ठीक है। वैसे ही और अदर्स है 192.168.101.8 और 192.168.101.7, सेम ऐसे ऐसे मिली भी है, ठीक है। ये ओप्पो की आपको दिख रही है कि ओप्पो मोबाइल, दो ओप्पो का मोबाइल कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क से, ये उनकी आईपीज है, ये आपको दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टूल है, अगर मान लो ये आपको नहीं पसंद आया, आपको इसका इंटरफेस पसंद नहीं आया, आपको ये यूज़ नहीं करना, तो एक और टूल है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो उस टूल का नाम है एनमैप, ठीक है, तो उस टूल का नाम है एनमैप। तो हम एनमैप के थ्रू भी ये कर सकते हैं। एनमैप इसकी अगली जो वीडियो होगी वो पूरी एनमैप के बेसिस पे होगी, ठीक है, एनमैप से स्कैनिंग करने वाले हैं, एनमैप स्कैनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो एनमैप नेटवर्क को स्कैन करने के लिए यूज, इसकी फुल फॉर्म ही है नेटवर्क मैपर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले करना पड़ता है आईएफ कॉन्फिग करा, आप अपनी आईपी देख लो, ये आईपी आई है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये जो पार्ट है ना, ये तीन पार्ट शुरुआत के, यानी कि डॉट के एक बाद वाला कॉपी नहीं करना, आपको ये कॉपी नहीं करना, आपको क्या करना है बस शुरुआत के तीन 192.168.101 इतना कॉपी कर लेना है, सिर्फ इतना, ठीक है, बस आपको इतना पार्ट कॉपी करना है। उसके बाद क्लियर कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ करेंगे एनमैप माइनस एसएन, याद रखना माइनस एसएन, और उसके बाद जो पार्ट आपने कॉपी करा था वो पेस्ट करो। उसके बाद आपको कोई भी हो, चाहे कहीं के होगा 192.168.10, जैसे मेरे में 101 है, आप में होगा 1 खाली, तो आपको 1 तक कॉपी कर लेना, उसके बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है, पॉइंट, और यहाँ पे 0 लिख देना है लास्ट में, 0.0 लगा दो, और उसके बाद /24, सबको यही करना है। इतना पार्ट तो आपको कॉपी करना है आईएफ कॉन्फिग से, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 0 लगा के /24, तो ये क्या करेगा, आपके पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा, जितने भी सिस्टम्स होस्ट होंगे उन सब के लिए। तो एंटर करते हैं, ठीक है, ये लिस्ट दे देगा आपको जो जो यहाँ पे होस्ट इसे मिलेंगे, ये लिस्ट आई है हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे इसका इंटरफेस उससे बहुत अलग है, यहाँ पे ये एक उसने दिया था कि पहले आईपी, फिर मैक एड्रेस, फिर वेंडर का नेम, ठीक है, जो बेचने वाला था, जो जिसने वाईफाई अडेप्टर बनाया होता है,
ठीक है, उसकी कंपनी का। तो अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले इन्होंने बोला 192.168.101.1 वाला है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे बताया उसकी ये मैक एड्रेस है, ठीक है, और इसको वेंडर नहीं मिला, ये कह रहा है अननोन है मेरे लिए वेंडर, यानी मेरे को कंपनी नहीं पता। फिर सेकंड पे आते हैं 192.168.101.3, ये मेरे लेनोवो वाले लैपटॉप का है, ठीक है, ये उसका मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस ये सेम ही दिया है इसने, साइबर टेन टेक्नोलॉजी ये वेंडर का नाम है, ठीक है। सेम यहाँ पे इसने एक और आईपी ये ओप्पो वाले के लिए दिया है, इसने ओप्पो वाले के लिए ये आईपी दिए है, ठीक है। और सेम यहाँ पे 8 वाले के लिए ये अननोन बता रहा है। फिर 15 पे वर्चुअल बॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, इसने बता दिया ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की एक मशीन चल रही है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा कैसे एक नेटवर्क को हम स्कैन करते हैं, कैसे एक नेटवर्क के अंदर के हम सारी आईपीज निकाल लेते हैं, मैक एड्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है। और अगली बार आप जब भी साइबर टेक टेक्नोलॉजी देखो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये लेनोवो का लैपटॉप है, ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा। ओप्पो का आपको पता चल जाएगा, वीवो मोबाइल कंपनी का इसका ज़्यादातर पता चल जाता है, जो बड़ी मोबाइल कंपनी होती है वो अपना खुद ही बना लेती है, ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।